पीडीपी के मंत्री फारूक अहमद अंद्राबी के घर पर हाल ही में आतंकी हमला हुआ, लेकिन बावजूद इसके वो लोगों से उपचुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील कर रहे हैं। कपरन शाहबाद में उन्होंने अपनी पार्टी के अनंतनाग से उम्मीदवार तसद्दुक मुफ्ती के लिए वोट मांगे और लोगों से उन्हें जिताने की अपील की। तो कई हमले आपके पास रिकॉर्ड है, पुलिस स्टेशन आपके नजदीक है, आप देख लीजिए। वहां मेरे पास एक बार माइन का अटैक हुआ घर में, लगभग ये अभी तक चौथा हमला है उसका, और 12 अफराद उन्होंने कल भेजे थे वहां पर। तो इससे मैं खाइफ नहीं होगा, और ना मेरे घर वाले और ना कोई वोटर, वोटरों के हौसले बुलंद है, वो निकलेंगे और इसमें 12 तारीख को वो पीडीपी का बटन दबाकर तसद्दुक साहब को बड़ी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। वहीं अलगावादी नेता यासीन मलिक को श्रीनगर कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। यासीन मलिक ने लोगों से चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। श्रीनगर से मीरा आफताब के साथ रऊफ वानी, पंजाब केसरी टीवी।